इंडिया में आज 50 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो मिलकर 1,500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चला रही हैं। अब इन 1,500 स्कीम्स में से अपने लिए एक अच्छी स्कीम को चुन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखें जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए, तो इस लिस्ट को काफी छोटा किया जा सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसे 10 रिस्की म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को देखेंगे जो हमें अवॉइड करना चाहिए। 2017 के बाद से सेबी ने हर म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि उन्हें अपनी हर स्कीम को कैटेगराइज करना होगा। जनरली म्यूचुअल फंड की 5 कैटेगरीज होती हैं: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, अदर स्कीम्स लाइक ETF, इंडेक्स फंड एटसेट्रा। और इन कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज होती हैं। अब कौन सी कैटेगरी कैसा परफॉर्म करेगी ये उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है और उन्होंने किन सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपने ये जरूर सुना होगा कि हाई रिस्क इक्वल्स टू हाई रिटर्न, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जो हाई रिस्क तो लेती हैं लेकिन अपने इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाती। अब क्योंकि इन कैटेगरीज में रिस्क तो ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टर को रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए ऐसी कैटेगरीज से दूर रहना ही समझदारी है। जानते हैं कौन सी है ये कैटेगरीज। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर प्लान की। सो इंडिया में म्यूचुअल फंड को 2 प्लान्स में बांटा गया है। पहला है रेगुलर प्लान और दूसरा है डायरेक्ट प्लान। अब यहाँ पर इन्वेस्टर कोई भी प्लान सिलेक्ट करे, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो हमें बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर म्यूचुअल फंड कंपनी को हर साल कितनी फीस देनी है। जब हम रेगुलर प्लान चूज करते हैं तो हम किसी एजेंट, ब्रोकर या बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर ब्रोकर, एजेंट या बैंक मिडिलमैन की तरह काम करता है, इसीलिए यहाँ पर उनकी फीस भी ऐड हो जाती है। वहीं पर जब हम डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो हम वहाँ पर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट को परचेज करते हैं। इसीलिए रेगुलर प्लान के मुकाबले डायरेक्ट प्लान में फीस जो है वो 1% तक कम लगती है। अब ये 1% वैसे तो देखने में ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस 1% का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जहां तक हो सके हमें डायरेक्ट प्लान को ही चूज करना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहां पर डायरेक्ट प्लान ही चूज करना चाहिए। अब सेकंड नंबर पे आता है बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड्स को बहुत हैवीली प्रमोट किया जाता है। इनको बैलेंस एडवांटेज फंड भी बोलते हैं और हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं। और जैसा कि आप इनको नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब कॉम्बिनेशन में डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा ये अलग अलग स्कीम में अलग अलग होता है, लेकिन सेबी ने जो डेफिनेशन दी है उसमें जो प्रपोर्शन है वो 40-60 का होना चाहिए। तो किसी स्कीम में हो सकता है कि डेट 40 हो और इक्विटी 60 हो, और किसी स्कीम में हो सकता है कि इक्विटी 40 हो और डेट 60 हो। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज इसको प्रमोट करके बहुत चालाकी से इन्वेस्टर्स से मोटी फीस चार्ज करती हैं, क्योंकि इस स्कीम में डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है ताकि रिस्क को मैनेज किया जाए। लेकिन इक्विटी को एक्टिवली मैनेज करने के नाम पर यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड जितनी ही फीस चार्ज कर ली जाती है। लेकिन अगर आप इन स्कीम्स के रिटर्न को देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से इनका रिटर्न कम होता है। तो फीस तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जितनी ही लेते हैं, लेकिन रिटर्न्स जो हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम देते हैं। अब यहाँ पर ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों लोग बैलेंस हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते थे। तो कुछ मंथ्स पहले क्या होता था कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टैक्स एडवांटेज मिलता था, और क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है इसलिए यहाँ पर भी आपको एक टैक्स एडवांटेज मिलता था। लेकिन अप्रैल 2023 से नए टैक्स रूल्स लागू हुए और जो डेट म्यूचुअल फंड में आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता था वो टैक्स बेनिफिट को रिमूव कर दिया गया है, और बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी जो टैक्स बेनिफिट मिलता था उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए, वैसे ही डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग रखना चाहिए, और अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही आपको डेट और इक्विटी में अलग अलग एलोकेशन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यू फंड ऑफरिंग। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नई स्कीम को मार्केट में लेके आती है और पहली बार पब्लिक से कैपिटल जुटाती है उसे न्यू फंड ऑफरिंग कहते हैं। ऐसे टाइम पर म्यूचुअल फंड कंपनीज के मार्केटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स उस स्कीम को प्रमोट करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं और प्रमोशनल एड्स चलाते हैं ताकि नई स्कीम के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि उस फंड में आपको पब्लिक से पैसा मंगाना है तभी वो फंड चलाना प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो म्यूचुअल फंड की हजारों स्कीम्स मार्केट में चल रही हैं, तो मैं उनको चुनने के बजाय ऐसी स्कीम्स में क्यों पैसा लगाऊंगा जो कि अभी लॉन्च हो रही है और जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है और कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है जिसको हम एवेलुएट कर सकें। तो इसलिए न्यू फंड ऑफरिंग को मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। अगला है फंड्स ऑफ फंड्स। तो देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको खुद से स्टॉक या बॉन्ड सिलेक्ट ना करना पड़े, इसलिए आप एक कंपनी को अपना पैसा देते हैं और वो एक एक्सपर्ट्स की टीम बैठाती है और आपके बिहाफ में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है। अब फंड्स ऑफ फंड्स क्या है? फंड्स ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट ना करना पड़े, इसलिए आप अपना पैसा एक कंपनी को देते हैं
और वो एक एक्सपर्ट्स की टीम को बैठाती है और आपके लिए कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट करती है और वहां पर इन्वेस्ट करती है। यहां पर वो कंपनी डायरेक्टली स्टॉक या बॉन्ड इन्वेस्ट नहीं कर रही है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। और जब आप फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप कई सारे म्यूचुअल फंड के बास्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ICICI प्रोडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, यहां पर आप इनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में इस फंड्स ऑफ फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर फंड ऑफ फंड्स तो अपनी फीस ले ही रहा है, इसके अलावा जो फंड वो सिलेक्ट कर रहा है उसकी फीस भी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आप दो बार फीस दे रहे हैं, किसके लिए? म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। बहुत अजीब सा कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। यूजलेस कंसेप्ट लगता है मुझे, दूर रहिए इससे। अगला है सेक्टर फंड या थीमेटिक म्यूचुअल फंड। सेक्टर फंड मतलब, जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड में फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक कंपनीज, हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनीज, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ऑटोमोबाइल फंड में ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनीज होती हैं, टायर वाली कंपनीज होती हैं, जो भी इनके पार्ट्स होते हैं उससे जुड़ी कंपनीज होती हैं। इसी तरीके से बैंकिंग, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फंड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर जो पूरा खेल है वो टाइमिंग का है। या तो ये फंड्स बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे देते हैं या फिर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर होती है, और ये बस टाइमिंग पर डिपेंड करता है। क्योंकि सारे सेक्टर्स जो हैं वो साइक्लिकल होते हैं, इसीलिए ये स्कीम्स बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती हैं और बाकी स्कीम्स के मुकाबले ये स्कीम बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। दूसरा, इनकी जो एक्सपेंस रेशो होता है, फीस होती है, वो बाकी फंड से कंपैरिजन में हाई होती है, ये कई बार 2% तक चली जाती है। तीसरा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम है। अगर कोई सेक्टर पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो पुअरली परफॉर्म करेगा, इसलिए हमेशा ऐसे फंड चुनना चाहिए जो कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करते हों। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड। अब इन सारे फंड्स में से जो सबसे ज्यादा रिस्की है वो है क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड। ये एक तरीके के डेट फंड्स हैं जो कि लो क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं इसलिए ज्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे देखा गया है कि ये जो फंड्स हैं वो ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट खोने का भी डर है, तो ऐसे फंड से दूर ही रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है लो AUM डेट फंड्स। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्कीम के इन्वेस्टमेंट एसेट की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। तो अगर AUM लो है, स्पेशली अगर डेट म्यूचुअल फंड में, तो वो फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो क्या बाय कर सकता है और कितना बाय कर सकता है, और ऐसे में फंड मैनेजर के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि डेट फंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लो AUM बहुत रिस्की इसलिए हो जाता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट आपका खराब हो जाता है तो आपके पूरे फंड की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, इसलिए इस तरीके के फंड से आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स। अब आप ये मत समझिए कि मैं आपको लार्ज कैप फंड्स को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। पहला तो सेबी ने एक टाइट मैंडेट सेट किया है कि लार्ज कैप फंड्स को 80% जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाना होगा। इससे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के लिए स्पेस कम हो जाती है, जो कि पहले लार्ज कैप फंड्स को हाई रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करती थी। अब जब रिटर्न कम है और उस पर आपको म्यूचुअल फंड की फीस भी देनी है तो ओवरऑल रिटर्न बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि जो ETF और इंडेक्स फंड हैं जो कि निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है, और ETF और इंडेक्स फंड की लार्ज फंड के कंपैरिजन में फीस बहुत कम होती है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स के बदले ETF या इंडेक्स फंड को चूज करें। नेक्स्ट है हाई डिविडेंड यील्ड फंड्स। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये जो फंड है वो हाई डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब जो कंपनीज है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पे देती हैं। अब ये कंपनीज जनरली ग्रोथ कंपनीज नहीं होती हैं, जो अपने प्रॉफिट को ग्रोथ या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में नहीं लगाना चाहती हैं, और इसीलिए फ्यूचर में भी इनकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। अब अगर आप डिविडेंड यील्ड देने वाले फंड्स को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो आपके नेट एसेट वैल्यू में ऐड हो जाता है। अब क्योंकि इन कंपनी की ग्रोथ स्लो होती है तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो पाता, तो इसलिए अगर आपको डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट ही करना है तो आप डायरेक्टली उनको चूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज नहीं होती हैं और रेगुलरली वो डिविडेंड देती हैं, इसके लिए आपको कोई फंड लेने की जरूरत नहीं है। अब फाइनल कैटेगरी है फंड्स विद फैंसी नेम, या फिर कह सकते हैं स्पेशल सिचुएशन फंड्स। अब फाइनली बात करते हैं ऐसे फंड्स की जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा मार्केटिंग गिमिक है। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर फोकस ना होकर फंड मार्केटिंग पर फोकस ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पर कुछ फंड्स के नाम दे सकते हैं, रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड, एथिकल फंड, मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फंड। ये एक तरीके के स्पेशल सिचुएशन फंड है जो किसी खास अपॉर्चुनिटी को देखकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्पेशल सिचुएशंस का कभी पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है तो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, और ये आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फंड को देखें तो ये अपने पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को
ओवर डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रहा है। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है ये आम जनता के लिए नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये थी 10 रिस्की म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो एक कॉमन इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप म्यूचुअल फंड मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे की सच्चाई को समझ पाए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।